अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बट कुछ दिन पहले हमारे घर में सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे, बहुत बीमार थे बच्चे बड़े सब, और क्लिनिक हॉस्पिटल सब बहुत ज़्यादा फुल हुए हुए थे। तो आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी काफ़ी लोग मतलब ठीक हो रहे हैं अल्लाह के करम से। तो चले जनाब, किचन की तरफ चलते हैं। तो आज मेरे किचन में बर्गर बनने की तैयारी चल रही है। तो फ्राइडे की शाम, जैसा कि मैंने आपको कहा था, फ्राइडे की शाम की व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उस दिन मेरे भाई घर पे होते हैं, तो उनको ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ हैं कुकिंग वगैरह करने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उनको कुछ न्यू रेसिपी ट्राई करनी होती है, तो साथ में हम भी उनके साथ मिल जाते हैं और उसके बाद फिर आपको भी बताते हैं कि हमने क्या किया। हमने भाई सबसे पहले 4 से 5 एग लेने हैं, उसको अलग कर लेना है, जर्दी अलग कर लेनी है बिल्कुल सेपरेट, और वाइट जो उसका सफ़ेदी है वो बिल्कुल अलग कर लेना है, और क्रिस्पी फ्राई लेना है आपको। यार यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया था, काफ़ी मैस हो चुका था, क्योंकि किचन में कुछ न्यू रेसिपी ट्राई करो ना काफ़ी मैस हो जाता है, किचन बिल्कुल सामान फैल जाता है ना। और यहाँ पे प्लेट ले लें, बॉल ले लें, कुछ भी ले लें, मतलब बिल्कुल समझ में आता, मुझे कुछ जो भी हाथ में आता मैं फ़ौरन लेती जा रही थी और भाई को पास करती जा रही थी। तो यहाँ पे अलग कर लेना है आपने, और उसके बाद फ्लोर ले लेने कुछ। और यहाँ पे भाई ने पहले ही मैरिनेट करके रख लिया था सारा मसाला, बीफ़ अलग, क्योंकि भाभी को बिल्कुल भी चिकन पसंद नहीं है, तो उनके लिए भाई ने बीफ़ ले लिया था। और यहाँ दानियाल कैबेज वो कर रहा है, कटिंग कर रहा है, और बस यहाँ पे हम अलग अलग काम में लगे हुए थे। कुछ कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, ऐसे ही करते करते टाइम का पता भी नहीं चला और काम भी हो गया, और मज़े भी आ गए बहुत ज़्यादा, और टेस्टी बहुत ज़्यादा बना था। यहाँ पे जो है मैं अब फ्राई करने के लिए, भाई कर रहे थे, फिर भाई को कोई काम आ गया तो फिर भाई चले गए, फिर मैं उनका जो अधूरा काम था वो मैं कंप्लीट कर रही थी। यहाँ पे पहले फ्लोर पे डिप करना है, फिर क्रिस्पी पे वो करना है, क्रिस्पी फ्राई पे, उसके बाद ऑयल बिल्कुल गर्म होने के बाद फिर ऑयल। यहाँ पे दानियाल और मैं, हम दोनों लगे हुए थे, वो अपनी बातें कर रहा, मैं अपनी बातें करी, वो कह रहा है ऐसे नहीं करो, मैं कह रही वैसे नहीं करो, क्योंकि वो कोई भी नहीं था, मैं और दानियाल थे। दानियाल जो है वो मेरा भांजा है, बड़ी हैप्पी का बड़ा वाला बेटा, तो वो हमारे साथ ही होता है। यहाँ पे बस यही हो रहा था, उसने कहा कि ऐसे नहीं करो, मैंने कहा वैसे नहीं करो, बस बातें बातें हो रही थी, और यहाँ पे हम फ्राई कर रहे थे। तो आगे जो प्रिपरेशन हमारी चल रही, तो आप इंजॉय करिएगा। तो जी भाई यहाँ सारा प्रिपरेशन जो है वो रेडी कर रहे थे लास्ट का। तो यहाँ पर बर्गर यानी कि कंप्लीट हो चुका है हमारा, और बस लास्ट प्रिपरेशन हमारी चल रही है यहाँ पर। बहुत बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। भाई यानी कि जब कुकिंग करते तो बहुत अच्छा ही कुछ नया करते हैं और कुछ न्यू ट्राई करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और काफ़ी ऐसा नहीं लग रहा था कि घर में बना था, ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल बाहर से रेडीमेड जैसा मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को इसका टेस्ट लग रहा था। बहुत ज़्यादा यम्मी था। खैर, आप लोग को भी अगर ट्राई करनी है तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस अब ये लास्ट प्रिपरेशन हमारा चल रहा है, और आगे आगे देखते जाए हम क्या करते हैं, और लास्ट में फिर इंजॉय करेंगे हम। We'll be right back.
चार्ज हो चुका है। यहाँ मेरी बहन हुई साहब जो है वो गोश्त लेकर आए थे और दिखा रहे थे कि देखो मैंने गोश्त ले आया और काफ़ी अच्छा गोश्त लेकर आए थे। तो पाकिस्तानी वुमेन की तरह मेरी सिस्टर भी जो है वो देख रही थी कि कौन से गोश्त का पुलाव बनना चाहिए और कौन से गोश्त की बिरयानी बननी चाहिए, तो वो अलग कर रही थी। वो हम सब के घर में कोई ना कोई केस ऐसा होता है जो करता, और सिस्टर्स जो हैं वो रात में हमारे घर ही रुक गई थी। तो आप भी यहाँ यखनी पुलाव बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हैं हम सब की फरमाइश पे, क्योंकि उनके हाथ की यखनी पुलाव हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि भाई आप यहाँ रुकी हैं तो आज हम लोगों के लिए कुछ अच्छा बना है। तो उन्होंने कहा चलो यही बना देते, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने कहा हाँ ठीक है चलें यही बना दें। तो सारा उन्होंने खुद ही काम किया था, सब कुछ एक्स वाई जेड उन्होंने किया था, बस मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी और छोटा मोटा काम होता है वो मैं हेल्प करा दे रही थी। फिर यहाँ गोल्डन ब्राउन, तो चलें आज आप ही की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आप ही ने अनियन को गोल्डन ब्राउन किया। गोल्डन ब्राउन करने के बाद उसमें 1 kg के करीब हमने गोश्त ऐड कर दिया उसमें, और यहाँ पे साबित मसाला हमने लिया है, दालचीनी, खड़ा गरम मसाला, सौंफ, ज़ीरा, सब थोड़ा थोड़ा लेना है बिल्कुल 1 tablespoon के करीब, और 3 से 4 चार सारा लेने के बाद अब सॉल्ट लेना है इसमें, लहसुन का पेस्ट भी लाजमी ऐड करना है इसमें, ओके। और सॉल्ट लेना है आपने, और उसके बाद फिर साबित मसाला जो हमने पहले लिया था उसको सारा ऐड कर देना है इसके अंदर। ऐड करने के बाद इसे सही से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर इसमें जो है वो टमाटर और हरी मिर्च हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोगों ने मिर्च बिल्कुल भी नहीं लिया इसमें, सिर्फ हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया। और जो पुलाव मसाला था हमारा वो भाई आप ही बाहर से मंगवा ली थी, तो रेडीमेड। तो यहाँ साबित मसाला हम यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे मिक्स करने के बाद जो हमारा सारा इसे अच्छे से पकाना है, इसे मिक्स करना है बिल्कुल अच्छे से ये अंदर मिक्स हो जाए। कुछ लोग जो हैं वो यखनी पुलाव बनाते हैं वो उसका यखनी अलग कर देते हैं और उसको चावल में जब दम मतलब चावल में जब बैठाना होता है उसी पानी से मतलब वो कर देते हैं, कवर कर देते हैं। लेकिन आप ही का जो ये पुलाव था वो कुछ डिफरेंट था, उन्होंने बिल्कुल बिरयानी वाला स्टाइल दिया था क्योंकि लेयर वाला बनाया था उन्होंने। और ये जो बिरयानी पुलाव है, पुलाव बिरयानी, वो अलग से मतलब बाहर से रेडीमेड ले लिया था। और यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च हम लोगों ने बिल्कुल भी कम यूज़ किया था, क्योंकि मिर्च पिसी मिर्च वगैरह मसाला तो हमने यूज़ ही नहीं किया था ना, बॉर्डर फॉर्म वाला मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने साबित मसाला यूज़ किया इसमें क्योंकि ये यखनी पुलाव है। तो यहाँ पर पानी वगैरह टमाटर और हरी मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पानी ऐड कर देंगे, उसके बाद सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा गोश्त काफ़ी अच्छा गल चुका है, तो घर में सबको आलू जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें मैंने आलू भी ऐड करवा दिया था। और फ्रिज में कुछ टमाटर मटर रखे हुए थे, तो मटर को भी आप ही ने कहा कि चलो इसको ऐड कर देते ना, तो बॉयल किया हुआ था मटर जो हमारा रखा हुआ था वो बॉयल था। तो अब यहाँ चावल की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर चावल जो है हमारा वो हो चुका था। यहाँ पर बस अब आप ही लेयर्स के तैयारी वगैरह जो करना था वो करनी थी। लास्ट में जो बिल्कुल लास्ट में कोरमा हमारा रेडी हो चुका था। यहाँ पे जो बिरयानी मसाला मतलब पुलाव मसाला जो बाहर से आया था रेडीमेड वो यहाँ ऐड करी थी, और चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करी थी। तो इन दोनों को एक साथ जो है आप ही उसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर अब सैलड की तैयारी हो रही थी, तो आप ही यहाँ साथ साथ सैलड भी बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि छत पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मिस्त्री वगैरह को भी हम लोगों ने अरेंज करना था खाना सारा, तो उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी देना था क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, तो आगे का जो ये
हो चुका था, शाम हो चुकी थी, तो ऊपर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था, तो उन लोगों को हर एक घंटे में चाय चाहिए होता है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी चाय हम बना रहे थे, और साथ ही मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी, यहाँ सिस्टर मेरी हेल्प करा रही थी। और तो अब डिनर टाइम हमारा स्टार्ट हो चुका था, यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है, यहाँ पे सिस्टर अचार गोश्त बनाने की तैयारी कर रही है, बस गोल्डन ब्राउन प्याज करना है और गोश्त को अच्छे से वॉश करने के बाद फिर ऐड कर देना है कुकर में। हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि बीफ जो है वो काफ़ी टाइम लेता है गलने में, वो आप सबको भी पता है, तो आप इन्हें कुकर में ऐड कर दिया, उनको बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। तो सारा हल्दी, मिर्ची, नमक और अचार गोश्त का मसाला भी ऐड करने के बाद और टमाटर ऐड करने के बाद इसमें दो गिलास पानी ऐड करने, क्योंकि गोश्त ज़्यादा नहीं था, कम था। पुलाव भी दिन में बना था तो पुलाव भी रखा हुआ था, कुछ लोग पुलाव खा लेते और कुछ लोग रोटी के साथ ये लगा कर खा लेते जो आप इन्हें अचार गोश्त अभी बना रही हैं। इसी तरह हमारा जो है वो जो डिनर टाइम था वो भी हमारा कंप्लीट होने लगा था। अब यहाँ पे सब कुछ होने के बाद बस ये कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही देर में। देखने में तो बहुत ईजी लगता है लेकिन बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये देख लें जादू, ये हमारा रेडी हो चुका है अचार गोश्त। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अपना और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।